जून की तपिश के बीच बिहार की राजधानी पटना का सियासी पारा भी चढ़ने वाला है। पटना में 12 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। हालांकि उनके द्वारा कहा जा रहा था कि इस बैठक में सभी पार्टियों के मुख्य चेहरे शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के आगमन को खारिज कर दिया। अखिलेश सिंह ने कहा है, एक सीएम आने वाले हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता आएंगे। अब उसमें कोई एक चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं, एक और कोई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आएंगे, इतना मैं आपको अभी कह सकता हूँ। राहुल जी भी आएंगे? नहीं, राहुल जी तो बाहर हैं, विदेश में हैं। अगर ये मीटिंग बाद में होती तो राहुल जी भी आते। राहुल जी से तो बात हुई थी आदरणीय नीतीश जी की, लेकिन वो चूंकि विदेश दौरे पर हैं और मीटिंग 12 तारीख को है, 12 तारीख तक राहुल जी नहीं है यहाँ। राहुल गांधी उपस्थित नहीं होंगे? नहीं, अभी कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा स्टेट का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर और एक और बड़ा नेता आए। वहीं राहुल गांधी के नहीं पहुंचने पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता अब रंग ला रही है। बिहार की धरती से ही सभी गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा 2024 के लिए हुंकार भरी जाएगी। उसी दिन से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। विपक्षी दलों के पार्टियों से कौन नेता आ रहे हैं, कौन नेता नहीं आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम होगा, ये सारी चीजों की जानकारी महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा समय आने पर दी जाएगी। गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता अब रंग ला रही है। बिहार की धरती से ही सभी गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा 2024 के लिए हुंकार भरी जाएगी। उसी दिन से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया जाएगा। अब कौन विपक्षी दलों के पार्टियों से कौन नेता आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम होगा, ये सारे चीज़ों की जानकारी महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा समय आने पर दे दी जाएगी। इस तरह से कोई कयास जो लगाए जा रहे हैं, उन कयासों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया जा सकता है। वहीं विपक्षी बैठक में नेताओं के मौजूदगी को लेकर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि आगामी 12 जून को पटना में विपक्ष के सभी प्रमुख दलों की बैठक होनी है। इसमें आगे की रणनीति तैयार होगी, उनके सभी प्रमुख नेता आएंगे। आने वाले समय में सभी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन कुछ लोग पहले से कयास लगा रहे हैं, विरोधियों को ये बात पच नहीं रही है। आगामी 12 जून को पटना में विपक्ष के सभी प्रमुख दलों की बैठक होनी है। इसमें आगे की रणनीति तैयार होगी, अधिकाधिक दल शामिल होंगे, उनके सभी प्रमुख नेता आएंगे। आने वाले समय में सभी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन कुछ लोग पहले से कयास लगा रहे हैं, विरोधियों को यह बात पच नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर से सशंकित हैं कि जैसे महागठबंधन का स्वरूप बनाकर नीतीश कुमार जी ने बिहार से शंखनाद किया है, कहीं विपक्षी एकजुटता की शंखनाद उन्हें इतनी भारी न पड़ जाए कि केंद्र की सत्ता से वो बाहर चले जाए, इसीलिए इस तरह की भ्रामक बातें कर रहे हैं, अपने मन से कयास लगा। वहीं इस बैठक में कई विपक्षी नेताओं ने भाजपा पर तंज किया। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि विपक्ष की एकता एक मजाक है, नीतीश कुमार पिकनिक पार्टी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की है और उस प्रतियोगिता के अपने भी मुख्य प्रतिभागी हैं और एक से एक नायाब प्रतिभागी भाग लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी नहीं आएंगे, वो विदेश में राष्ट्रवाद को गाली दे रहे हैं और इधर खड़गे भी नहीं आ रहे हैं। विपक्ष की एकता ये एक मजाक है, श्री नीतीश कुमार जी ये पिकनिक पार्टी कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री दौड़ प्रतियोगिता आयोजित किए हैं और उस प्रतियोगिता के अपने भी मुख्य प्रतिभागी हैं और एक से एक नायाब प्रतिभागी उसमें भाग लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का न राहुल गांधी विदेश में राष्ट्रवाद को गाली पढ़ रहे हैं और इधर जो है खड़गे साहब भी नहीं आ रहे हैं, तो बगैर कांग्रेस का कैसा विपक्षी एकता, एक दूसरे को कोई नेता नहीं मानने वाले हैं, कांग्रेस और केजरीवाल, ममता जी और कांग्रेस, अखिलेश जी और मायावती,
साउथ से कोई नहीं, तो फिर ये कैसा विपक्षी एकता, ये पिकनिक पार्टी है या नीतीश कुमार जी के विदाई समारोह है गाजे बाजे के साथ तेजस्वी जी इनकी आयोजन करने में लगे हैं, लेकिन ये भी चतुराई से कुर्सी छोड़ने में नहीं लगे हैं और वो भी चतुराई से इनको विदा करने में लगे हैं। देखिए ठग और लोभी के राज में कौन भूखे मरता है। विपक्षी एकता को धार देने वाली बैठक को बड़ा झटका लग सकता है। राजनीतिक संकेत हैं कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, स्टालिन और येचुरी जैसे दिग्गज नेता बैठक में शामिल नहीं होंगे। इससे 2024 चुनाव से पहले क्रांति की धरती से मोदी को हिला देने का दावा करने वाले विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है।